मैं आपको हल्दी की खेती के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। और हल्दी हर इंसान को ज़रूरत है, आयुर्वेदिक में भी यूज़ किया जाता है, फेस पे लगाने पे यूज़ किया जाता है। और देसी हल्दी है जो दोस्तों, जो मैं खेती करता हूँ इसका, इसके बारे में बताने चलता हूँ कि इसकी बहुत कॉस्टली खेती है, जो बिल्कुल दिखाने चाहते हैं। देखिए ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है। इसकी भी खेती सिर्फ लहसुन की तरह होती है दोस्तों। देखिए बिल्कुल ये मेड़े पे बोया जाता है, इसमें जैविक खाद का उपयोग किया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जैविक खाद का उपयोग किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पड़ रहा है, ये पड़ भी रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पीला पीला आप देख सकते हैं, ये पड़ा हुआ है। अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, अभी 1 माह और लगेंगे समथिंग, इसमें 1 माह बाद ये तैयार हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी है, जो आपको मार्केट में अच्छा भाव देता है दोस्तों, और काफ़ी कॉस्टली बिकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके खेत में जो है आधा बिस्सा दो बिस्सा जो भी जगह बचता है, तो आप हल्दी ज़रूर बोएं, क्योंकि हल्दी की खेती बहुत बेहतरीन है दोस्तों। और ये आयुर्वेदिक में यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक हमने बोया है इसको, और काफ़ी हरा भरा है, स्वस्थ पौधा है दोस्तों। और इस वीडियो में यही बताने वाला था कि हल्दी आप अगर खेती कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक को त्यागिए और जैविक को अपनाइए, और जैविक खाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधा और खेत दोनों का लाइफ बनाए रखेगा दोस्तों। इस वीडियो में नमस्कार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भोले भाई भी हैं इसमें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।